हरिओम, मैं अनामिका वीरा रंधावा मीरा रोड उपासना केंद्र में हूँ और मैं सन 2002 से बापू परिवार में हूँ। आज आप सभी को जो मैं अनुभव सुनाने जा रही हूँ वो अनुभव है 2011 और 2012 के बीच का। मुझे एक बेटी और एक बेटा है और बेटे का नाम है करण, बेटी का नाम है शीना। आज जो मैं अनुभव सुनाने जा रही हूँ वो अनुभव मेरे बेटे करण से संबंधित है। 2011 में मेरा बेटा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उस वक्त बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती हैं, नवंबर के एंड में कुछ उसकी प्रीलिम्स हुई थी और प्रीलिम्स होने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो पेरेंट्स मीटिंग हुई और पेरेंट्स मीटिंग में हमें बुलाया गया। जब हम स्कूल में गए तो हमें पेपर दिखाए गए और करण की जो मराठी की टीचर थी वही उनकी क्लास टीचर भी थी। सभी सब्जेक्ट पेपर हमने देखे तो सभी सब्जेक्ट में उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, जैसे कि 90 के ऊपर, अबो 90। केवल मराठी में उसके मार्क्स बहुत ही कम थे, उसे वहाँ पर 39 मार्क्स मिले थे। ये देख के मुझे भी थोड़ी चिंता होने लगी कि सभी सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स हैं और मराठी में इतने कम मार्क्स हैं। मीटिंग होने के बाद उनकी जो क्लास टीचर थी पल्लवी मिस, उन्होंने हमें रुकने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। चूँकि वो मराठी की टीचर थी तो उन्होंने मराठी में बोलना शुरू किया। वे कहने लगी, तुमचा मुलगाना खूप गुणी आहे पण मला याची खूप चिंता वाटते। बघा, सगळ्या सब्जेक्टमध्ये हा खूप छान मार्क्स घेतो, मराठीमध्ये एवढे कमी मार्क्स काय आहेत आणि आता कसं काय करणार बोर्ड एग्जाममध्ये, आणि एवढे कमी मार्क्स म्हणजे ह्याची पर्सेंटेज नक्कीच डाऊन होणार। वो मुझसे मराठी में बात करने लगी तो मैंने भी मराठी में जवाब दिया। मैंने कहा, हाँ हो टीचर, मला पण खूप काळजी वाटते, एवढे कमी मार्क्स खरं तर यायला नको ह्याचे, ठीक आहे मी बघते काहीतरी करून घेते आणि ह्याच्याकडनं नीट अभ्यास करून घेते। उन्होंने कहा, सिर्फ 2 महीने रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, अब आप क्या करोगे, किस तरह से इसकी पढ़ाई होगी। मैंने कहा, कम से कम 2 महीने तो है हाथ में, कुछ तो कुछ करते हैं टीचर, मैं आपको बताती हूँ। फिर घर आने के बाद मैंने करण से पूछा कि करण, तुमने मराठी सब्जेक्ट क्यों लिया जब हमारी घर में बात हुई थी कि तुम हिंदी लोगे। तब करण ने मुझसे कहा, मम्मी बापू ने हमसे कहा है नई लैंग्वेज सीखने के लिए, जैसे कि मुझे हिंदी और इंग्लिश तो पहले से आती है तो मराठी मेरे लिए नई लैंग्वेज थी, ये सोच के मैंने मराठी ली। उसका यह उत्तर सुन के मैं निरुत्तर हो गई और मेरे मुंह से अनायास ही निकला, बापू ने कहा है, अब बापू ही देखेंगे क्या करना है। ठीक है, जैसे मैंने जब टीचर से मराठी में बात की थी तो टीचर ने मुझसे कहा, तुम्ही छान मराठी बोलता, मग तुम्ही का नहीं याचा अभ्यास घेत। तभी मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मुझे अभी खुद इसकी पढ़ाई लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं ऑफिस में सर्विस करती थी, मैंने ऑफिस से छुट्टियाँ ले ली, करीब करीब 2 से 2.5 महीने की छुट्टियाँ, मेरी जितनी छुट्टियाँ थी मैंने सारी छुट्टियाँ ले ली। मैंने जितना मटेरियल, जैसे कि नए नए एसे के बुक्स होते हैं, ग्रामर के बुक्स होते हैं, क्वेश्चन सेट होते हैं, मैं सब खरीद करके लाई और मैंने करण की पढ़ाई लेना शुरू किया। सुबह में मैं करण क्लासेस जाता था, स्कूल जाता था एक्स्ट्रा क्लास के लिए, और जब वो शाम को आता था मैं उसकी पढ़ाई लेती थी। यहाँ पर पढ़ाई लेते वक्त जो भी मुझे पढ़ाना होता था मैं दोपहर में खुद पढ़ती थी, उसको अच्छे से समझ के लेती थी ताकि मुझे शाम को उसे मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और इस तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाई हमारी हो रही थी। पढ़ाई के वक्त मैं आपको यहाँ से बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि अपनी संस्था का जो प्रत्यक्ष पेपर है वो प्रत्यक्ष पेपर मैं रोज़ पास में रखती थी। पढ़ाई होने के बाद मैं उससे कहती थी कि प्रत्यक्ष की जो हेडलाइंस है वो हेडलाइंस पढ़ो, और उसमें से जो शब्द तुम्हें समझ में नहीं आते मैं उसे समझाती थी। उसी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ रोज़ एक निबंध लिखवाना, ग्रामर की प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन आंसर वगैरह करना, ये बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाई कर रहे थे। जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो शाम को जो अपनी सैटरडे की उपासना पुस्तिका है, वो उपासना पुस्तिका जो कि मराठी में है, वो उपासना पुस्तिका मैं उसे पढ़ने के लिए देती थी। और मैंने उसे कहा कि इसको सिर्फ सीधे सीधे पढ़ो, लय में नहीं पढ़ोगे तब भी ठीक है,
ताकि ये शब्द तुम बार बार पढ़ोगे तो इसका तुम्हें फायदा ही होगा, और तुम्हारी यही उपासना है ऐसे समझो और पढ़ाई चालू रखो। इसके बाद सेकंड प्रीलिम्स आई। सेकंड प्रीलिम्स ने अच्छे से पेपर लिखा और उसे उस वक्त 63 मार्क्स मिले। उसके मार्क्स देखे मुझे और उसकी टीचर को, दोनों को ही थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि चलो अब कुछ लग रहा है, कुछ कर पाएगा ये। फिर उसके बाद जब फाइनल एग्ज़ाम थी, फाइनल एग्ज़ाम के लिए जब वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाता था, उस वक्त मैं स्कूल के बाहर थोड़ी जगह थी, वहाँ पे खड़े होके जो भी नामस्मरण हमें बापू ने सिखाया है, जैसे कि राम रक्षा स्रोत्र है, हनुमान चालीसा, गौर कष्टोद्धरण और श्री कुरुक्षेत्र मंत्र, करीब करीब एक घंटा वहाँ खड़े होके मैं और मेरे साथ और एक अपने श्रद्धावान है केंद्र के, सुरेखा वीरा, हम दोनों वहाँ पे स्रोत्र पठन करते थे। क्योंकि बापू जी ने हमें बताया है कि जब अपने बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब हम नामस्मरण करते हैं तो वो नामस्मरण वहाँ तक पहुँचते हैं उनके तक। फिर इस तरह से उसके सारे पेपर हो गए और मराठी का पेपर आखिरी वाला था। जब मराठी का पेपर था, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और उस दिन मुझे ऑफिस जाना था। मैं उसे छोड़ने स्कूल तो गई और उसी वक्त मैं स्कूल से निकल गई। निकलते निकलते मैंने सिर्फ बापू जी से कहा, बापू आज तो मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अभी आप संभाल लो। इतना कह के मैं ऑफिस चली गई। जब मैं शाम घर आती हूँ तो मैंने करण से पूछा कि मराठी का पेपर कैसा था, पेपर दिखाओ मुझे। उसने पेपर देखते ही बोला एकदम टॉप। मैंने कहा क्या टॉप, तो कहता हाँ बहुत अच्छा था, मैंने तो सब लिखा। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ तुम्हारा मराठी का पेपर अच्छा गया है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, अब तुम जाओ खेलो। जैसे ही करण नीचे गया, मैंने वो क्वेश्चन पेपर लिया, मैंने इसको पढ़ा और हमारे घर में बापू जी की एक बड़ी सी तस्वीर है, मैं उस तस्वीर के सामने खड़ी हुई। मैंने वो पेपर इस तरह से पूरा खोला जैसे हम बापू जी को दिखाया और मैंने बापू से कहा, बापू इस पेपर में, इस मराठी के पेपर में करण ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है केवल आप ही जानते हो। बापू इसके कोई भी सब्जेक्ट के पेपर कोई भी चेक करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बापू, केवल मराठी का पेपर आप और आप ही चेक करना। बस मैंने इतना कहा, वह क्वेश्चन पेपर मैंने बापू जी के उस तस्वीर को लगाया और मैंने रख दिया। उसके बाद 2 महीने बाद जैसे कि रिजल्ट आता है 10th का, उस वक्त भी मैं घर पे नहीं थी, मैंने कहा मैं हाफ डे से आती हूँ। जैसे मैं घर में एंटर हुई, करण ने रिजल्ट डाउनलोड करके रखा था, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के बहुत खुश लग रहा था। तो मैंने पूछा अरे वाह बहुत खुश लग रहे हो, लगता है रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो कहते मम्मी बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बोलने से मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी देखो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने कहा हाँ देख रही हूँ। मैंने झट से पर्स रखी, मैं बैठी स्क्रीन पे देखने, तो कहते अब रुको सबसे पहले मराठी के मार्क्स देखो। मैंने कहा हाँ, मैंने मराठी के मार्क्स देखे 95। मैं शॉक रह गई। मैंने फिर से देखा, मैंने कहा करण ये तुम्हारे मार्क्स है? कहता हाँ मम्मी नाम देखो। मैंने नाम चेक किया अच्छे से, कहीं गलती तो नहीं हो रही। फिर मैंने फिर से चेक किया, कहीं मराठी और मैथ्स में कुछ देखने में गलती तो नहीं हो रही मेरी। फिर मैंने चेक किया 95। और एक क्षण के लिए मुझे लगा कि बस मैं समझ गई। मैंने बापूजी से कहा था, बापूजी मराठी का पेपर सिर्फ आप चेक करना। बापूजी ने ही मराठी का पेपर चेक किया और जितने उसे ज़रूरत थे उसे मार्क्स दिए, क्योंकि देखो वो हर सब्जेक्ट में 90 के ऊपर मार्क्स लाता था, मराठी में उसके मार्क्स कम थे। वहाँ पे जहाँ वो कम पढ़ रहा था बापूजी ने उसे मार्क्स दिए ताकि उसके परसेंटेज कम ना हो। इसी बीच स्कूल से भी कॉल आया, वही टीचर जो कहती कि तुम 2 महीने में क्या कर लोगे, उसका फ़ोन आया, करण इट्स यू, इट्स योर मार्क्स। कहता हाँ टीचर। बोलते ऐसे कैसे हो गया? तो वो भी हंसने लगा, कहता मैं स्कूल में आके बात करता हूँ टीचर। हम स्कूल में गए, वही टीचर पल्लवी मिस मेरे पास आई, कहती है आश्चर्य इतने अच्छे मार्क्स इसके कैसे। मैंने कहा बस हमारी भगवान की कृपा है। उस वक्त इतनी भीड़ थी मैं कुछ कह नहीं पाई। देखिए अगर उसके मार्क्स कम होते थे, बापू ने ये नहीं किया होता था, जब ही मैंने उसके मार्क्स देखे मेरे आंखों में से जो आंसू आए थे,
मैंने कहा बापू सिर्फ आप कर सकते हो, आपकी वजह से वो 39 से 95 तक पहुंच पाया है। उसी वजह से उसे जहां एडमिशन लेना था उस अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन मिली और उसने अपना कोर्स किया। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है और आज वो कनाडा में है, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर करके कार्य कर रहा है। ये उसका जो प्रवास है 10th से लेके आज वो जिस पोजीशन पे है, ये सिर्फ और सिर्फ बापू की कृपा की वजह से हुआ। अगर वो वहाँ पर कम पड़ जाता था तो शायद वो इतना बड़ा सफ़र तय नहीं कर पाता था। जब जब हमें ऐसी कोई अड़चन आती है, कोई भी संकट आता है, हम तो सिर्फ आवाज़ देते हैं कि बापू क्या करें, और बापू को जो करना है बापू कर ही देते हैं। हरिओम श्री राम अम्बदना, बापू में अम्बदना है नाथ सवित।